क्या आप उन लोगों में से हैं जो अच्छी आदतें बनाना चाहते हैं बट बना नहीं पाते, या फिर उन लोगों में जो दो एक बुरी आदतें छोड़ना चाहते हैं बट उसे छोड़ नहीं पाते? हैप्पी न्यू ईयर फ्रेंड्स। हम जानते हैं कि कई लोगों की तरह आपने भी नए साल के लिए रेजोल्यूशंस बनाए होंगे, पर क्या ऐसा नहीं होता कि हम हर साल रेजोल्यूशंस बनाते हैं, उन्हें कुछ दिन फॉलो भी करते हैं बट कुछ दिनों बाद, हफ्ते दो हफ्ते बाद उसे छोड़ देते हैं? ऐसा सिर्फ आपके साथ ही नहीं बल्कि 95% लोगों के साथ ऐसा ही होता है। अगर मैं 99% भी कहूँ तो शायद गलत नहीं होगा। इसलिए हम आपके लिए लाए हैं एक खास वीडियो सीरीज जिसमें हम आपको स्टेप बाय स्टेप तरीका बताएंगे जिससे आप कोई भी अच्छी आदतें अपना सको या फिर कोई भी बुरी आदतें छोड़ सको। इसमें हम आपको कोई हाई लेवल मोटिवेशनल ज्ञान नहीं देंगे जिसे सुन के तो आपको बहुत अच्छा लगे बट एक्शनेबल आपको कुछ ना मिले। हम आपको एक्शनेबल हैबिट्स बताएंगे जिसे करने से आपको रियल टाइम अपने लाइफ में डिफरेंस दिखने लग जाएगा डे वन से ही। आज हमारा टॉपिक का डिस्कशन है हाउ टू स्टार्ट अ न्यू हैबिट। हम अच्छी आदतें बनाना स्टार्ट कैसे करें? अब हम सभी कुछ ना कुछ हैबिट के साथ स्टार्ट करते हैं। समझ लीजिए, मैं आपसे फिट रहूँगा, मैं आपसे हेल्दी खाना खाऊंगा, मैं आपसे जल्दी सोऊंगा, जल्दी उठूंगा, मैं पैसे ज़्यादा सेव करूंगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उन्हें हम कुछ दिन फॉलो भी करते हैं पर उन्हें कुछ दिन के बाद कंटिन्यू नहीं कर पाते। इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि हमने हैबिट स्टार्ट ही गलत तरीके से किया। इसलिए आज का टेक्निक जो हम शेयर करेंगे वो है मेक स्पेसिफिक प्लान। तो नेक्स्ट टाइम से हम कोई भी हैबिट बनाने की चेष्टा करें तो हमें स्पेसिफिक प्लान बनाना है। स्पेसिफिक प्लान में हमें चार क्वेश्चन का जवाब देना है, व्हाट, व्हेन, वेयर एंड हाउ। समझ लीजिए, मैंने ये प्लान बनाया कि अब से मैं हेल्दी खाना खाऊंगा, तो मैं ये कहूंगा कि मैं हर रोज दोपहर में 2 बजे फ्रिज से एक एप्पल निकाल कर खाऊंगा। तो हमने ये प्लान बना लिया कि मैं हर रोज 2 बजे एप्पल निकाल कर खाऊंगा। तो इससे दो तीन चीजें होती हैं। पहली, हम जब ये कहते हैं तो हमारे दिमाग में रजिस्टर सेट हो जाता है कि हाँ मुझे 2 बजे कुछ काम करना है। तो अब क्या होता है, जब घड़ी में 2 बजते हैं तो उस समय मुझे मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती कि हाँ मुझे हेल्दी खाना खाना चाहिए एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मुझे पता है कि मुझे फिर से एप्पल निकाल कर खाना है। इसमें यह भी होता है कि मैं कन्फ्यूज भी नहीं होता। मैं 2 बजे ये नहीं सोचूंगा क्या मुझे भूख लगी है, क्या मुझे कुछ खाना है, अच्छा खाना है तो मैं क्या खाऊं, खाने के लिए तो बहुत कुछ है, भुजिया, चपाती, पापड़, फल फूल बहुत कुछ है खाने के लिए, तो मैं क्या खाऊं, अच्छा हेल्दी खाऊं तो हेल्दी में मैं क्या खाऊं, एप्पल खाऊं या ऑरेंज खाऊं या फिर कुछ और खाऊं। इन सब कन्फ्यूजन के चक्कर में ये होता है कि हम वो हैबिट छोड़ ही देते हैं। कुछ दिन तो कर लेते हैं, तीसरे चार चौथे दिन से वो हैबिट छूट जाती है। तो हमें स्पेसिफिक हैबिट बनाना है। समझ लीजिए कि आपने ये हैबिट बनाते हैं कि मैं रोज जल्दी सोऊंगा, जल्दी उठूंगा, तो अपने को ये नहीं कहना कि हाँ मुझे जल्दी उठना है, जल्दी सोना है। तो हमें ये कहना है कि मैं हर रोज रात के 9 बजे सोने चल जाऊंगा, 8 बजे 8 घंटे सोऊंगा और हर रोज सुबह 5 बजे उठूंगा। तो हमने बता दिया अपने दिमाग को, अपने बॉडी को कि हाँ तुम्हें 9 बजे सोने जाना है और 5 बजे उठना है। सोते टाइम ये बोले कि हाँ मैं 5 बजे उठने जाऊंगा, तो इससे क्या होगा, आप अपने आप ही आप 5 बजे आपकी आंख खुल जाएगी। और इससे एक बेनिफिट और है, आपके लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस भी काफी कम हो जाएंगे। जैसे आपने डिसाइड किया कि आप 9 बजे सोने जाओगे कि समझ लीजिए 7:30 8 बजे टीवी में कोई अच्छा मूवी आ गया तो आप उसे देखने नहीं बैठ जाओगे। क्यों? आपके दिमाग को पता है कि मुझे तो 9 बजे सोने जाना है, वो मूवी चली गई 2 2.5 3 घंटे तो मैं सो नहीं पाऊंगा, तो आप डिस्ट्रैक्शन से बच जाओगे। पर अगर आप सिर्फ ये वेगली कहोगे कि हाँ मैं रोज जल्दी सोऊंगा, जल्दी उठूंगा, तो हाई चांसेस है कि आप उस मूवी को देखने बैठ जाए और आपका वो हैबिट उस दिन के लिए टल जाए। और जैसे आप हैबिट टालते जाओगे वैसे ही मोटिवेशन लेवल कम होता जाएगा और कुछ दिनों के बाद आप भूल भी जाओगे कि हाँ मैंने कुछ डिसाइड भी किया था। तो हमें यही कहना है कि आपसे हम कुछ भी हैबिट बनाने की ट्राई करें तो हमें स्पेसिफिक प्लान बनाना है। साइंस की भाषा में इसे कहते हैं इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन होना, मतलब स्पेसिफिक प्लान बनाना। तो उम्मीद है दोस्तों आपको हमारा आज का लेसन अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए क्योंकि आगे हम और नई नई टेक्निक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ये काफ़ी लंबी सीरीज है, हम नई नई टेक्निक्स और एक्शनेबल टेक्निक्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिससे आपके लाइफ में रियल टाइम इंप्रूवमेंट दिखे। अच्छा लगा हो तो इसे शेयर जरूर करिएगा क्योंकि अच्छी चीज़ें बांटने से ही बढ़ती हैं। आपको कैसा लगा, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, आप इसे ट्राई करिए, आपका कोई क्वेश्चन हो तो ये सब हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपके साथ डिस्कस करने के लिए एकदम रेडी रहेंगे। हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।